सभी को प्लांट साइंस वर्ल्ड में आज डिस्कस करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी का फोर्थ पेपर जो कि ब्रायोफाइट का पेपर है मैक्सिमम मार्क्स हंड्रेड हैं टाइम डेढ़ घंटे का है अगेन पेपर दो सेक्शन में है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी पहले में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें वन फिफ्टी वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं और दूसरे में थ्री फिफ्टी वर्ड्स में आपको पूरा आंसर देना है सेक्शन ए पांच क्वेश्चन करने हैं आठ दिए हैं पांच क्वेश्चन फिफ्टी नंबर सेक्शन बी पांच क्वेश्चन दिए हैं दो करने हैं एक क्वेश्चन पच्चीस नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं द फर्स्ट वन इज इलिस्ट्रेट डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गैमेटोफाइट ऑफ मसाई सेकेंड गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोपसिडा अप टू ऑर्डर लेवल ठीक है क्लासिफिकेशन पढ़िए जो भी पेपर है उसमें क्लासिफिकेशन डिटेल में अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन जरूर आएगा द थर्ड वन इज डिस्कस अबाउट एम्फीबियस नेचर ऑफ ब्रायोफाइट फोर्थ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जिम्माकप इन ब्रायोफाइट मार्किशिया लिखना है इसमें आपको जिम्मा कप फिफ्थ डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन पोरेला इम्पोर्टेंट वन हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश कैलोब्रियम फ्रॉम टका सेवेंथ डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पोरोफाइट्स ऑफ एंथोसिरोस एंड नोटोथाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिस्टोम स्ट्रक्चर मेट विद इन मोसेस ठीक है आठ में से पाँच करना है आराम से आप सेलेक्ट आउट करके कर लेंगे लॉन्ग आंसर में राइट एन एस से ऑन द ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स कैसे ओरिजिन हुई वो लिखना है द सेकेंड वन इज गिव एन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्शुअल लाइफ साइकिल ऑफ स्पैगनम एंड एक्सप्लेन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विथ इट्स हेल्प अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लेगीओ कैजमा फिफ्थ अगला क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स ऑफ द गैमेटोफाइट ऑफ नोटोथाइल्स नाउ द लास्ट वन डिस्क्राइब द एनाटोमी ऑफ राइजोम एंड एरियल स्टेम ऑफ पॉलीट्राइकम एंड स्टेट द फंक्शंस ऑफ वेरियस टिश्यू कंप्राइजिंग इट ठीक है प्रयोफाइट का पेपर छोटा है मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है इतने ज़्यादा जेनरा नहीं है लेकिन जिस चीज़ को पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ना है डायग्रामेटिक स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट वगैरह इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिए क्वेश्चन हो जाते हैं आपके आराम से दैट्स ऑल थैंक यू सो मच ध्यान दीजिएगा इस पेपर पर पे।